बहुत ही क्रेजी चीज लग रही है भाई, लुक एट द DRLs, सुपर एक्साइटेड टू सी हाउ इट लुक्स। 1, 2, 3, गो। So guys, this is the first time I'm checking out the Thar Rocks. क्या बताऊँ, मैंने expect कुछ और किया था और चीज बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। मतलब ये चढ़ी हुई है या खड़ी हुई है, ये क्या हुआ है ये भाई? कमाल वाला तो भाई। अभी इस गाड़ी को देखने के बाद सबको ये पक्का मन बन चुका है कि ये पहली कार भी हो सकती है। सेकेंडरी तो थार थी, बट अब ये पहली कार भी हो सकती है, फैमिली का प्यार भी हो सकता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आज हम भाई जा रहे हैं ऋषि भाई के गांव रोहतक, और आज वैसे जा कहां रहे हैं ऋषि भाई, जरा बताओ। भैया हम जा रहे हैं लोचप महिंद्रा पे, उन्होंने बुलाया है नई थार के लिए हमें। यस, देखो उन्होंने नई थार के लिए बुलाया। एक्चुअली हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है लोचप महिंद्रा से, हमने काफी उनसे गाड़ियां ली, आपने देखा ही हमारे वीडियोज में। हमने स्कॉर्पियो एन उनसे ली थी, थार ली थी हमारा जो छोटा था, और एक स्कूटी भी उनसे ली हमने महिंद्रा से नहीं, अब उनके और भी डीलरशिप है होंडा वगैरह की भी। तो आज हमने सोचा कि चलो नई थार 5-door है, लॉन्च हुई है, चेकआउट करने चलते हैं। उन्हें चेकआउट करने के लिए ही बुलाया गाड़ी, एक बार टेस्ट ड्राइव वगैरह भी उसकी खुल गई है, तो एक बार चला के भी देखेंगे उसको कि कैसी गाड़ी है एंड व्हाट्स ऑल द हाइप अबाउट। और हमने कहा सिंस थार 5-door देखने जाना है, हमने थार रॉक्स ऐसे बोलना पड़ता ना, बच्चों वाला नाम नहीं रख दिया, बचपन में ईमेल आईडी का नाम रख दिया रॉक्स, ऋषि रॉक्स, इसका तो आज भी ऐसे है ऋषि दिस साइड। ऐसी सिचुएशन में हमने अब आगे कैसे आ जाता हूं। एनीवे भाई, तो थार 5-door हम देखने जा रहे थे, तो हम आज अपनी थार 5-door लेके जा रहे हैं। पता नहीं हमारे ये लोगो कैसे चेंज हो गए रात में महिंद्रा का लोगो था, अभी लोगो यहाँ पर चेंज हो गए, तो हम अपनी थार 5-door लेके जा रहे हैं। मैं सोचा आज 2-3 वीडियोस बना लूंगा, एक जो इनकी थोड़ी बहुत जो तैयारी वगैरह कर रखे, थोड़ा ये एक डेली व्लॉग स्टाइल में बना लेंगे, एक हम कंपैरिजन बना लेंगे बिटवीन द रूबिकॉन एंड द थार 5-door, और हम एक आधे थार 5-door का एक इनिशियल इंप्रेशंस का भी एक वीडियो बना लेंगे। सो लॉट ऑफ शूटिंग टू डू टुडे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दीज वीडियोस। जाके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सबके साथ, एंड लुक आउट आज के दिन के बहुत बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। अब चलते हैं भाई, निकालते हैं हमारी थार, हम बस पहुंच ही गए, हमने यहीं पर इंट्रो लिया है अपना। सो लेट्स भाई, अभी दो लोग मिलके पूछ चुके हैं ऋषि लेने गया है, कह रहा भैया नई वाली थार है भाई, लोगों को कितना शौक है यार वैसे। भाई अभी मैं लेने गया भाई, आपको बता ही रहा था। हाँ। भाई वो कह रहा है ये थार 5-door की नहीं आई है, मैं कहा भैया यार रेगुलर है भाई, 80 पेटी लग जाती है भाई। मेरे से भी कई लोग पूछ रहे हैं, ये भाई भी उतरा अभी, अविनाश भी, इससे भी पूछ रहे थे कि भाई बेल्ट वेल्ट लगाओ यार, सेफ्टी मतलब। अरे मैं अपने शहर आ गया था, अभी आ जाएंगे भाई, वो लोग आ जाएंगे फिर जो खुद बेल्ट नहीं लगाते, जो खुद लाल बत्तियां टपाते हैं, पर इंटरनेट में सब परफेक्ट चाहिए, वो लोग आ जाएंगे भाई कमेंट करने, बेल्ट नहीं लगा रहे भाई, सेफ्टी फर्स्ट भाई साहब। बट कितना शौक है भाई लोगों को यार, मैं भी देखता हूँ, अभी भाई से भी पूछ रहे थे कि भैया नहीं वाली थार है, नहीं वाली थार है ऐसी ना, बड़े पहले भले जमाने में हम जब सुपर बाइक्स वगैरह चलाते थे ना, तब बस इंट्रूडर होती थी, तो उसको लोग पूछते थे ये नई वाली रॉयल एनफील्ड आई है, मैं सबको बोलता कितने की भैया, मैं उस टाइम ऐसी मजाक बोलता भाई ये 4 lakh की है, लोग 4 lakh, अगर उन्होंने उस टाइम बताए थे कि भाई 18 lakh रुपए की है तो वैसे ही इसमें भी सेम चीज होती है, सबको बोलता हाँ भाई नई वाली तार आई है, ये लोग पूछते कितनी है, बोल रहे भाई 30 lakh। भाई नहीं नहीं भैया यार, क्या यार इतने पैसे लग जाते हैं यार, हर कोई कार का ही नहीं है, हर किसी को नॉलेज है सबको ना, अब तो मतलब यही हो जाएगा कि ट्रायंगलर को 5-door वाली थार ही बोला जाएगा भैया। हाँ। क्योंकि जिसको समझ नहीं हो पहले यही कहते थे, अब तो और मजाक में इसको वही बोल के चलते हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं मजाक में। नहीं जो लेमैन है ना, जो कार का ही नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको नहीं पता ना क्या है, बट जिसे कार का है, जिसे नॉलेज है, जिसे शौक है, बेसिकली उसे पता है कि क्या चीज यार, उनके लिए एडिडास और एविडास सेम है भाई, जैसे लंबोर्गिनी और लैम्बोर्गिनी। पुरानी टीम तो क्या को याद होगा ये भाई, क्या पॉइंट मारा उत्सव, क्या पॉइंट मारा भाई, किस किस को याद है कमेंट सेक्शन में बता दो, और जिसे नहीं याद हमारी कश्मीर वाली ट्रिप जाके ना प्लेलिस्ट में है, वो जरूर देख लेना एक बार, उसमें भाई हमारा लैम्बोर्गिनी लेके आया था, लैम्बोर्गिनी भाई, क्या पॉइंट मारा भाई, उड़ता तीर कहीं से जा रहा था, उत्सव ने पकड़ के दे दिया, तूने लिया बेटा ये खुद भाई, वो देखना जरूर, कमेंट में बताना जिसको याद है, याद ही होगा भैया लैम्बोर्गिनी भाई, बहुत मजाक उड़ा था मेरा। लेकिन आज मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ वैसे जेन्युइनली कि व्हाट्स द हाइप अबाउट, एंड देखो मैं महिंद्रा ओनर रह चुका भाई, मैं ऐसा बंदा हूँ कि आई लव महिंद्रा, मेरे कोई महिंद्रा के अगेंस्ट चीज नहीं है, बहुत बढ़िया डायरेक्शन में जा रहे हैं महिंद्रा, एंड बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स ला रहे हैं, एंड कंपेटिटिव प्राइस पॉइंट पे, मैं ओनली इशू इज क्वालिटी, आप प्राइसिंग अच्छी रख रहे हो ठीक है, मतलब थोड़ी सी तो ज्यादा ही है, आप बहुत अच्छे फीचर्स दे रहे हो, गाड़ियां फुली लोडेड है, अनएक्सपेक्टेड चीजें निकाल रहे हो, मतलब जो कभी महिंद्रा से हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैं वो बंदा हूँ जिसने 2011 में थार रखी हुई थी भाई, जब थार लिमिटेड बंदा से शौकीन होता था ना वो लेता था, क्योंकि रॉ गाड़ी होती थी, प्रॉपर जीप वाली फील आती थी उसमें, ओल्ड स्कूल, बट अब तो थार एक लाइफस्टाइल व्हीकल हो गया, मतलब हर किसी के घर में एक सेकेंडरी कार है, थार है,
और एक लाइफस्टाइल व्हीकल ज्यादा बन गया है। तो मतलब मैं देखना चाहता हूँ व्हाट्स द हाइप अबाउट, बट माय ओनली इशू इज क्वालिटी। बस सही डायरेक्शन है, सब कुछ परफेक्ट है, बस क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर ले। एंड डीलरशिप नेटवर्क तो भाई मतलब जैसे लोचप वगैरह वाले ये लोग तो बहुत अच्छा डीलरशिप नेटवर्क है, एंड और भी अब डीलरशिप नेटवर्क भी महिंद्रा का बहुत अच्छा है। आई बिलीव टाटा से ऊपर है आफ्टर सेल सर्विस। जैसे इंडियन ब्रांड्स को अगर मैं कंपेयर करूँ तो टाटा की थोड़ी सी गलत मानी जाती है, तो टाटा ओनर्स मेरे कॉमेंट सेक्शन में बता पाएंगे मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। मेरी भी सुनी सुनाई बातें हैं, मतलब मैंने बहुत कभी भले जमाने में टाटा की गाड़ियाँ रखी होंगी सफारी वगैरह, बट कभी वैसे नहीं रखी। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि महिंद्रा की आफ्टर सेल्स टाटा से बेटर है, एंड थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट है, मतलब थोड़ी सी जरूरत है और इम्प्रूवमेंट की, और उसके अलावा भाई थोड़ी सी क्वालिटी और इम्प्रूव करते हैं। तो इन जैसा ब्रांड नहीं है, एक्सपोर्ट होती है भाई महिंद्रा की गाड़ी। तेरे को पता है कि साउथ अफ्रीका में गया था, वहाँ भी महिंद्रा की गाड़ियाँ चलती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाती है गाड़ियाँ। मैं वीडियोस देख रहा था, मैं रिव्यूज देख रहा था गोरों के, उन्होंने क्या क्या बोला। तो एक बार समझो बीइंग एन इंडियन थोड़ा सा हर्ट हो जाता है यार, कि यार हमारा इंडियन ब्रांड है और इतनी बढ़िया चीज बना रहे हैं पर गोरे ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ी सी क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी ठीक है भाई, रस्ते चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे वहां तक। आप कौन जाएंगे, बिल्कुल मेरे ख्याल से और 5-7 साल में महिंद्रा अपनी क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर लेगा, एंड फिर मैं इसको मानूंगा भाई हाँ अब ये रैंगलर की टक्कर दे रहे हैं। उसके बाद प्राइस पॉइंट भी जस्टिफाइड है, क्योंकि क्वालिटी बढ़ेगी भाई तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो फिर प्राइस पॉइंट भी जस्टिफाइड है। बट ठीक है भाई, मेरे हिसाब से थार 5 डोर इज अ वेरी गुड बाय, डोंट कोट मी ऑन दैट। अभी मैं अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहा, एक बार पहले गाड़ी चेकआउट करते हैं फिर बताएंगे। देखो रैंगलर रैंगलर है भाई, देखो अलग चीज है दोनों, ये सॉलिड एक्सेल है, वो IFS है, ये बहुत सारे ऑफ रोड कैपेबिलिटीज जो इस गाड़ी की है वो एक IFS गाड़ी की नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन वाली गाड़ी की, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। दिस इज अ हार्डकोर ऑफ रोड, वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल व्हीकल है, वो सिटी ड्राइविंग वगैरह के लिए है। वो देखिए भाई ये चढ़ी हुई है या खड़ी हुई है, ये क्या हुआ है ये भाई, कमाल वाला है। तो भाई ये वो हुआ है कि हमारी जैसे संडे मॉर्निंग चल रही थी, किसी की सैटरडे नाइट चल रही थी, वो सैटरडे नाइट वाला कांड है। थोड़ा सा पेट्रोल ज्यादा डाल लिया होगा भाई ने अपने अंदर गाड़ी के, वो चीज है। तो चलो भाई ऑल इन ऑल मतलब अभी मेरा वर्डिक्ट नहीं है, एक बार गाड़ी चेकआउट करते हैं और उसके बाद हम फाइनल वर्डिक्ट देंगे। तो जल्दी चलते हैं लोचो महिंद्रा पहुंचते हैं, बहुत लेट हो चुके हैं हम, बहुत रास्ते में लेक व्यू हम करते हुए, तो जल्दी से पहुंचते हैं। A few moments ago. So as you can see guys, there हम रूबिकॉन का वाटर वेटिंग टेस्ट कर रहे हैं, और सरप्राइजिंगली इसके ये टेस्ट करने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, ये शहर में ही दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है आम ऐसे घूमते हुए। रूबिकॉन पास हुई है विद फ्लाइंग कलर्स, हम फ्लाइंग चले जाते तो लोगों के कपड़े वपड़े खराब हो जाते, हम फ्लाइंग नहीं गए, पर रैंगलर फ्लाइंग कलर से पास हो गई है भाई। ओ ये भी नहीं चढ़ पाया, माल लोडेड है ना भाई उसमें, यही जाम लगा रहे हैं, जान के थोड़ी लगा रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, उसको मजा आ रहा है खड़े होने में, इसको मजा आ रहा है बेचारे का, यहाँ तेल खत्म हो गया है, मतलब बैटरी का तेल खत्म हो गया है, ये देख शूट कर रहा है, वो अपने भी देख लो, हम भी जाएंगे भाई टेढ़े बिल्कुल, आ ये लद्दाख वाली फील दिल्ली में भाई, वाटर क्रॉसिंग। दिल्ली वाले इसलिए अच्छे से चला लेते होंगे वहाँ, पहले से ट्रेंड होते हैं भाई, ये तो दिल्ली वाले कैसे चलाते हैं पहाड़ों में गाड़ी सबको पता है, जितने मेरे प्यारे पहाड़ी भाई होंगे उन्हें ज्यादा पता है कि DLHR UP कैसे चलाते हैं सब पता है। गलत चीज है वैसे तो ये, क्या ही बोले भाई, कहाँ से गई ये भाई, एक बार रुक जाओ ट्रक से गया, ट्रक तो बचा ली, उसको तो बंदा भी दिखा रहा है यहाँ बहुत गड्ढा है भाई, चलो भाई द टाइम हैज कम जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, टाइम टू अनवील द महिंद्रा थार रॉक्स फॉर लोचप ग्रुप। बहुत ही क्रेजी चीज लग रही है भाई, लुक एट द DRLs, सुपर एक्साइटेड टू सी हाउ इट लुक्स। जल्दी से सारी टीम आ रही है एंड वी विल अनवील द कार नाउ।
व्हाट अ ब्यूटी गाइस, अभी इन डेप्थ हम बताएंगे, अभी बात करेंगे गाड़ी के बारे में इन डेप्थ, बट रियली अमेज्ड। गाड़ी तो मजेदार है, 4x4 वेरिएंट में व्हाइट ही है इंटीरियर सर। हाँ इंटीरियर सर व्हाइट है। ये वाली गाड़ी लेके तो कुछ बाहर से कराने की जरूरत ही नहीं है, सारी स्क्रीन वगैरह सब बड़ी करती है। ये तो मीडियम वो दे रहे हैं। हाँ ये हाई एंड वाली है, पैनोरमिक है उसमें। हाँ पूरा स्काई रूफ है। ये भी अच्छा दिया है बहुत, ये यहाँ पर दे दिया डोर हैंडल। और सबसे इन यूनिक डिमांड जो लगाया है उन्होंने। अच्छा जी क्या किया? ओह और जो कंप्लेंट्स थी कि भाई पीछे जगह नहीं है, स्टोरेज देखियो पीछे पूरी। अरे ये भी दे दिया पुश बटन फाइनली, अब चाबी नहीं देनी पड़ेगी, पहले चाबी देनी पड़ती थी तभी तो कीले स्टार्ट है। हाँ ये देखना चाबी की जगह वो दे दिया। सो गाइज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम चेकिंग आउट द थार रॉक्स, और अभी ये शोरूम्स पे आई है, अवेलेबल हुई है, टेस्ट ड्राइव्स वगैरह इन्होंने शुरू करी है, और बहुत ही मेरे को तो क्या बताऊं, मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था और चीज बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। मतलब इन ट्रू महिंद्रा फैशन दिस इज अ गेम चेंजर। आई डोंट वांट इट टू साउंड लाइक अ पेड प्रमोशन और एनीथिंग, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन या कुछ भी ना, महिंद्रा हमें गाड़ी फ्री में देता है भाई, हम तो आपको पता है हमें महिंद्रा पसंद है, बट थोड़ा बहुत हमें क्वालिटी से इसका आपको पता ही इशू रहा है पास्ट में, दे हैव रियली नेल्ड इट दिस टाइम। एक मेरा कंसर्न था कि भाई टू डोर थार एक जीप को यूजली हमें आदत है टू डोर में देखने की, उसको महिंद्रा फोर डोर में करेगा तो प्रोपोर्शंस और तो नहीं लगेंगे, और मतलब कैसे महिंद्रा इसको कैरी करेगा कि मतलब गाड़ी ऑड ना लगे बेसिकली। एंड यू कैन सी ओवर हियर गाड़ी बिल्कुल भी ऑड नहीं लगती, बहुत ही मतलब सुंदर लग रही है। एक ये डिजाइन एलिमेंट मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया है कि इन्होंने ऐसे टेपर में क्यों कर दिया, दे शुड हैव यू नो गॉन विद द कन्वेंशनल राउट इधर से, बट कर दिया इन्होंने, भी कोई डिजाइन पेटेंट के चक्कर में कर दिया हो। उसके अलावा भाई ऑल इन ऑल बहुत ही प्यारा डिजाइन है एंड बिल्कुल भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं लग रही, दे हैव नेल्ड इट। एक चीज और मेरे को कंसर्न था बहुत ज्यादा कि अगर रियर डोर्स में कहीं बैठने उतरने में कोई इशू तो नहीं होगा, बट बिल्कुल भी नहीं है, काफी स्पेशियस है। आप इधर देख सकते हो कि बहुत जगह इधर आप पैर रख के आराम से इसमें से अंदर जा सकते हो, मैं एक बार आपको जाके भी दिखा देता हूँ, ये देखो, और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही स्पेशियस है। इन डेप्थ रिव्यू अभी मैं करूंगा गाइस इसका, एक बस आपको स्नीक पीक दे रहा हूँ। दिस इज नॉट द टॉप एंड वेरियंट, दिस इज द मिडिल वेरियंट, और इसमें छोटा सनरूफ आता है, एंड टॉप एंड वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ है। फीचर्स में मतलब क्या बताऊं, लोडेड कर दी है गाड़ी, लोडेड से भी ज्यादा ओवरलोडेड कर दी है, और इसमें मतलब बैठने उतरने में भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मतलब सॉर्टेड चीज बनाई है भाई, प्रैक्टिकल। थोड़ा सा मुझे एक चीज जो गलत लगी, मतलब गलत भी क्या कि ये महिंद्रा को नहीं करनी चाहिए थी, वो है वाइट इंटीरियर, क्योंकि एक ऑफ रोडर पे एक जीप पर वाइट इंटीरियर मेरे को नहीं पता, और इंडियन कंडीशन में वाइट इंटीरियर कितना टिकेगा, बट आई एम श्योर कि महिंद्रा कैन इजिली रेक्टिफाई दिस इन फ्यूचर, यू नो फेसलिफ्ट्स या छोटे मोटे बिना अनाउंसमेंट के जो महिंद्रा चेंजेस कर देता है उसमें महिंद्रा चेंज कर सकता है इसको। तो ये व्हाइट इंटीरियर थोड़ा सा ऑड है, बट आफ्टर मार्केट हम इंटीरियर इसमें करवा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, इजी फिक्स है ये, आप करवा सकते हैं इसको आफ्टर मार्केट में, बट आई डोंट नो ये कितना साफ रहेगा हमारी इंडियन कंडीशंस में। एंड ये क्रोम भी कर दिया है, पहले ये ब्लैक प्लास्टिक होता था, विच गिव्स इट अ प्रीमियम फील, बट वंस अगेन कि ये स्क्रैच प्रोन होगा बहुत ज्यादा, एंड ये ऑफ रोडर में कितना टिकेगा ये नहीं पता, बट ऑल इन ऑल भाई रियली इंप्रेस विद द कार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है। एंड दिस आई एम सेइंग व्हाइल आई एम अ रूबिकॉन ओनर, एक रूबिकॉन ओनर होके मैं अगर इतनी तारीफ कर रहा हूं इस गाड़ी की, जेन्युइन काबिले तारीफ है। एंड फीचर्स वगैरह में मतलब पता ही आपको महिंद्रा तो नेक्स्ट लेवल, कोई कमी नहीं छोड़ता, बट जो मेन इशू आ जाता है वो क्वालिटी में आ जाता है। लेट्स सी, अब ड्राइव वगैरह करेंगे थोड़ी देर में, नेक्स्ट वीडियो आप देखना इसकी ड्राइव का डालूंगा मैं, तो उसमें कैसी इनकी क्वालिटी है। पार्ट्स वार्ट्स की देखो, मतलब आप एक अमेरिकन ब्रांड से जीप से पार्ट्स वगैरह इसकी कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे छोटी मोटी चीजें, जैसे मैंने ये पकड़ा तो ये थोड़ा सा इसमें फ्लेक्स है, एंड कहीं कहीं छोटे मोटे ये मतलब चीज मतलब फिट एंड फिनिश के छोटे मोटे जो मतलब इन टिपिकल महिंद्रा फैशन छोटी मोटी चीजें हैं, दिस इज समथिंग विच यू डोंट गेट विद द जीप। और कुछ चीजें उसमें भी ऐसी बात नहीं है भाई, जीप में भी कई की जगह चीप प्लास्टिक लगाया हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगाया हुआ है, एंड देन अगेन द प्राइस पॉइंट, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट एज फास्ट एज द जीप, इवन दो द डीजल वेरिएंट गेट्स अ बिगर इंजन एंड द पेट्रोल वेरिएंट गेट्स अ 2 लीटर इंजन ओनली। जीप में भी अब रैंगलर में रूबिकॉन में 2 लीटर ही आता है टर्बोचार्जर, बट इट्स क्वाइट फास्टर, एंड वो तो आप एक बार जिसने चलाई रैंगलर और उसे पता है कि क्या चीज है, एंड जिसने फिर थार चलाई तो उसे पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है, बट ऑल इन ऑल भाई इस प्राइस पॉइंट में मेरे को बहुत इंप्रेस करी है गाड़ी, बाकी चला के ही मैं अपने इनिशियल इंप्रेशन और फाइनल इंप्रेशन दे पाऊंगा गाड़ी के बारे में। ये वो चीज है कि यार देखो हर महिंद्रा प्रोडक्ट के साथ ये चीज है कि ऊपर ऊपर से सब कुछ है, सारी बेल्स एंड विसल्स हैं, सारी मतलब फीचर्स हैं, सब कुछ है, बट फिर वही कि आप वो फीचर्स खराब होने जब शुरू होते हैं और आपको शोरूम्स के चक्कर लगवाते हैं तो वो थोड़ा सा बस रहता है, बट आई एम श्योर महिंद्रा ने इसमें बहुत इंप्रूवमेंट करी होगी, एंड ऑल इन ऑल विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स महिंद्रा इस चीज को बिल्कुल रेक्टिफाई कर देगा, जो चीज जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना मेरे को समझ आ रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हम महिंद्रा की गाड़ी खरीदेंगे और हमें क्वालिटी वाली टेंशन ही नहीं लेनी होगी, तो वो टाइम अभी नहीं है फिलहाल, बट वो जल्दी ही आएगा, मतलब आई हैव माय फेथ इन महिंद्रा।
तो भाई हमारे साथ दीपांशु भाई हैं लोचक महिंद्रा से, तो मैंने कहा भाई से थोड़ा डिस्कशन करें। भाई ने पैम्फलेट तो हमारे को लाके दिया है, यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह लिखी है, बट एक चीज सरप्राइजिंग है, डीजल 4x4 की दीपांशु भाई प्राइसिंग नहीं दी बिल्कुल। क्या है कि सर गाड़ी जैसे 3 अक्टूबर को लॉन्च होगी, हाँ, दिन आपको अपडेट्स मिल जाएगा उससे नेक्स्ट जैसे भी अपडेट रहेगा। एक्चुअली आप ऐसा समझो कि अभी इनिशियल स्टेज पे कंपनी ने जो प्राइसेस लॉन्च की है वो रियर व्हील ड्राइव की है, तो हम भी वेट कर रहे हैं आप जैसे वेट कर रहे हो कि जल्दी इसकी 4 व्हील ड्राइव की प्राइसेस भी आ जाएंगे। बाकी 4 व्हील ड्राइव गाड़ी जो है वो टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अभी अपने पास है वो, हाँ अपने पास है वो गाड़ी, फिर आपको टेस्ट ड्राइव कराएंगे, चलवाएंगे, फील कराएंगे। बहुत सारे वेरिएंट्स गाइस इन्होंने निकाले हैं, MX1, MX3, MX5, AX3L, AX5L, AX7L, AX7L रविंद्र भाई टॉप एंड वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट कंपेटिटिवली प्राइस्ड है, मतलब कोई 2.5 लाख रुपए की गाड़ी है एक शोरूम, और ये रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है। 4x4 मतलब मेरी स्पेकुलेशन है कि 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और ऊपर होनी चाहिए, ऐसे कुछ रेंज में आएगी। बाकी अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, मैं भाई से भी नहीं पूछ सकता क्योंकि कोई स्टेटमेंट वो भी नहीं दे सकता, ऑफिशियल प्राइसिंग नहीं है, बिल्कुल सही। बट ये हमें अभी एज अ कंज्यूमर, एज अ महिंद्रा लवर, एज अ महिंद्रा बायर मेरा ये वो है रिव्यू, तो सही है। बहुत सारी चीजें, मैं अभी रविंद्र भाई और मैं बड़ी बात कर रहे थे, इंजन वगैरह तो सेम है, पावर बढ़ाई या नहीं बढ़ाई इनने? अच्छा 128 कर दी इसमें, यही तो दो इंजन पावर के साथ गाड़ी को लॉन्च किया। 4x4 वाली में तो ज्यादा आएगी, 4x4 वाली जो गाड़ी है उसमें 172 BHP का पावर है, नॉर्मल वाली में 150 का है। अच्छा, 150 BHP पावर के साथ आती है। जब गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी रविंद्र भाई और मैं बात कर रहे थे कि स्कॉर्पियन की चैसी पे बेस्ड कर देंगे, अभी भाई ने बताया कि चैसी इज कम्प्लीटली डिफरेंट कार रॉक्स के लिए, फिर से इन्होंने चैसी नई रीडिजाइन करी है। क्यों बिल्कुल, जिसको कंपनी ने 4th generation चैसीज नाम दिया है, ओके, हाई स्टील के साथ यूज किया गया है, 88% हाई स्टील स्टेंस। अच्छा, बेसिकली ऐसे मानो कि स्कॉर्पियो की चेसिस का इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं। गॉट इट, बिल्कुल एक डिफरेंट नई 4th generation जिसको महिंद्रा ने नाम भी 4th generation चेसिस दिया है, उसके ऊपर सारी गाड़ी बनाई गई। एक स्मार्ट मूव बहुत तगड़ा करा इन्होंने विद द रूफ, पहले फाइबर की रूफ हम लोग था 2 डोर में, हमारे पास झोटे में भी फाइबर की रूफ थी, एक डर रहता था मन में ना कि कभी खुदा ना खास्ता कुछ पलट गई तो यार ऊपर वाला ही मालिक है क्या हुआ। इन्होंने स्मार्ट प्ले क्या करा, मेटल की रूफ दे दी है, बट उसको लुक पूरा मैट ब्लैक कर दिया, लगता फाइबर है, और भाई बता रहे थे उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि 3 बार का वो जोर ले सकती है, मतलब 3 बार का हाई डैमेज का इम्पैक्ट ले सकती है, एंड उसके बाद वही अंदर इम्पैक्ट आने के चांस। बेसिकली ऐसा बोला गया है कंपनी की तरफ से भी, हमने ये मेटल इसलिए बनाया कस्टमर को सेफेस्ट ज्यादा लगे, उसके साथ साथ हमने ये बिल्कुल सेम उसी कलर का इसलिए रखा गया है, वो थार की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। जो थार लवर्स हैं वो थार की इसी चीज को देख के ज्यादा खुश होते थे कि ऊपर से ऐसी बनी हुई है, उसी कलर के साथ और बढ़िया मेटल बॉडी के साथ बनाई हुई है ताकि वो लेगेसी भी रहे और ज्यादा से ज्यादा सेप भी रहे। पहले थार ना लोगों की यूजली 2 डोर वाली थार सेकेंडरी कार होती थी, घर में आपके पास प्रॉपर फैमिली कार है, आपकी सेकेंडरी कार एक थार आपने लिए शौक के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए, बट अब क्या कर दिया उन्होंने, दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया कि फर्स्ट बायर्स कार भी हो सकती है। बिल्कुल, फैमिली कार किसी ने ले ली हो, एक्चुअली एडवेंचर स्पोर्ट्स सब अपनी जगह है, आजकल वो नॉर्मली हर आदमी यूज करना चाहता है, चला के देख के सब करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं फैमिली थोड़ा सा पीछे हट रही थी कि यार थार हम फर्स्ट टाइम ले या ना ले, बट अभी इस गाड़ी को देखने के बाद सबको ये पक्का मन बन चुका है कि ये पहली कार भी हो सकती है, सेकेंडरी तो थार थी बट अब ये पहली कार भी हो सकती है, फैमिली का प्यार भी हो सकता है, वो वाली फीलिंग है इसकी। आई एम आल्सो हाईली इंप्रेस्ड, मतलब जितनी मैंने सोची थी, मैंने लाइव नहीं देखी थी गाड़ी, मेरे को लगा प्रोपोर्शंस कैसे होंगे, हमें एक 2 डोर गाड़ी को देखने के यूज टू है, हमें उसकी प्रोपोर्शंस है वो पता है, बहुत ट्रिकी था, बिल्कुल परफेक्ट महिंद्रा हैज नेल्ड इट इसको 4 डोर बनाने में, गाड़ी कहीं से ऑड नहीं लग रही कि आपने एक 2 डोर गाड़ी को ऐसा खींच नहीं दिया, प्रॉपर प्रोपोर्शंस मैच करें, इतनी प्यारी लग रही है, मतलब मैं क्या सोच के आया था और क्या निकली गाड़ी, बहुत जबरदस्त, आई एम हाईली इंप्रेस्ड। बाकी जो चला के और हमें समझ आएगा कि क्वालिटी वगैरह वाइज एंड ड्राइव वाइज कैसी है, बट भाई अगर मैं एज अ रूबिकॉन ओनर आपको बोलूं तो दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों क्वाइट सिमिलर भी है, वो हम आगे इन डेप्थ वाले में बात करेंगे उस बारे में, बट थैंक यू भाई रविंद्र भाई, आपने बुलाया हमारे को, एक इनसाइट दिया एंड टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए बुलाया भाई ने, तो अभी देखते हैं गाड़ी आती है, फटाफट चलते हैं, टीम का यार को साथ लेके चलेंगे। थैंक यू दीपांशु भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइज हमारा टेस्ट ड्राइव व्हीकल आ चुका है और इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, पैनोरामिक रूफ है, 19 इंच के व्हील्स हैं और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा जो हमारा अगला वीडियो आएगा, जो कि इसका एक इन डेप्थ का रिव्यू होगा और ड्राइव के फर्स्ट इंप्रेशंस होंगे, सो मेक श्योर यू वॉच दैट वन। अब चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। लेटर दैट नाइट, तो भाई रविंद्र भाई के साथ बैठे हैं, अभी बढ़िया हमने सैंडविच खाए, बढ़िया कोल्ड कॉफी पिलाई भाई ने और बढ़िया हमने बातें करी थार के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भाई से ली है। अब भाई बता रहे हैं 3 तारीख को खुल रही है बुकिंग,
थर्ड अक्टूबर से बुकिंग खुल रही है भाई, और मैं अभी बता नहीं रहा डिसीजन अपना। देखो पीछे मस्ती चल रही है पूरी, शोरूम बंद हो चुका है, हम अभी बैठे हैं यहाँ पर। मैं अभी बता नहीं रहा भाई अपनी बुकिंग का, बट टीम तक यार बताएगी। क्यों रविंदर भाई, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी आपको थार, और अगर आप चाहते हो कि अपने गैराज में आए तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। और फिर बाकी तो भाई का काम है ही, सारी महिंद्रा भाई से ही आती है, तो क्या पता रॉक्स भी भाई से आ जाए, क्यों है ना। चलो रविंदर भाई थोड़े कैमरा शाय है, उनसे हंस रहे हैं यहाँ पे। नाना बढ़िया भाई, बढ़िया बातें करी हमने, बढ़िया बताए। एक साल बाद मिल रहे होंगे भैया, एक साल बाद मिल रहे हैं, बट भाई बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, ठीक है। हमारी एक आवाज पे गाड़ी दे देते हैं, मतलब कोई भाई ने हमारे लिए धूप छांव कुछ नहीं देखा, कोई वेटिंग वेटिंग नहीं देखता भाई हमारे लिए, तो हमारा तो प्यार है ही। और भाई अभी बता रहे थे कि आपके प्यार से और भी बहुत सारे भाई आते हैं, जो आपके व्यूअर आपके सब्सक्राइबर है, बहुत सारे भाई आते हैं, और जैसे आपने यहाँ से ली तो यहीं से हम भी लेंगे ऐसे करके बोल के। तो भाई थैंक यू सो मच कि आप जैसे जो मेरे बड़े भाई हैं सारे, जिनसे हमारा प्यार है, आप उनको ऐसे सपोर्ट करते हो, एंड आगे भी करते रहिएगा, और हमारे चैनल को भी ऐसे ही आगे सपोर्ट करो। एंड अगर थार रॉक्स पसंद आई और चाहते हो अपने गैराज में आए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड यू गाइस नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दो सारे एंथुसियास्ट फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, लाइक कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टीम टेक केयर, बाय बाय।